नवीन का फोन आया। फिल्म साहब फोन आता तो आपके पास ही आता। ठीक ही होगी, उसको भला क्या होने वाला है, ऐसों कभी भी कुछ नहीं होता। जैसे बेगम साहब आपको इस वक्त में नबील साहब का साथ देना चाहिए। आप जैसी भी हैं वो है तो नबील साहब की बीवी ना। अब तुम मुझे सलाह दोगी? कैसे डसा उसने मेरी बेटी को, मैं चाहूं भी ना तो अपना दिल नहीं साफ कर सकती उसकी तरफ से। अपने बेटे को पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, और बेटा बेटा तो सिर्फ उसके ही गुनगाता है, तो क्या फायदा जाके झूठ मूठ का ड्रामा करने का। अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा वैसा हो गया, मेरा मतलब है कि अभी वक्त तो नहीं था बच्चे का, काफी टाइम था। अगर कुछ बुरा हो गया तो नबील साहब इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा मुझे ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, मुझे हॉस्पिटल जाना है। जी बेहतर। हरीम और हुमायूं रात दिन इकट्ठे थे एक साथ। जुनैद की कॉल हमशा के फोन पर। बेगम साहिबा, जुनैद साहब ने नाश्ता करने से मना कर दिया है। अच्छा तुम जाओ। क्या हुआ है? मैं कल से देख रही हूँ वो कुछ परेशान सा है। अरे क्या पकड़ा है उसके दिमाग में? मैं बात करती हूँ उससे। नहीं खाला। अरे हरीम। नहीं खाला अब बस। क्यों क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मेरे और जुनैद से मुतालिक जो भी बात हो वो हम दोनों के दरमियान रहे। अब आप जुनैद को मेरी फेवर में किसी भी तरह फोर्स नहीं करेंगे। मैं अपने मामला को खुद हल करना चाहती हूँ। अगर मैंने अल्लाह को गवाह बनाया है तो मुझे उस पर मुकम्मल भरोसा भी करना चाहिए। आप समझ रही हैं मेरी बात? हाँ ठीक कहा। तो खाला जुनैद आपके इस तरह बार बार मेरे फेवर में बोलने से और इरिटेट हो जाते हैं, और अब जिस तरह से रमशा दोबारा सामने आ रही है वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है। उसके तो ऐसी की तैसी। मैं बात करती हूँ उसके गैरतमंद शौहर से, संभाले उसे। दूसरों के शोहरों पे बू मारती फिरती है तो ये अपनी फितरत से बाज नहीं हो सकती। उसकी फितरत जो भी हो उसका मकसद सिर्फ मुझे बर्बाद करना। अल्लाह ना करे मेरी बच्ची
मेरी दुआएं तेरे साथ है, ऐसा कुछ नहीं। तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे मामलात में दखल अंदाजी नहीं करूं, लेकिन जहां जुनेद की ज्यादती हद से बड़ी मैं खामोश नहीं रह सकूं। खालाजान प्लीज, आपके इस तरह बार बार बोलने से जुनेद का गुस्सा नफरत मेरे लिए मजीद बढ़ जाएगी, वो और जिद्दी हो जाएंगे। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, बस तुम खुश रहो। अच्छा, मैं सोच रही थी कि मैं कुछ दिनों के लिए उम्र पे चली जाऊं। पहले तो मेरा और नरगिस का ख्याल था कि तुम दोनों की शादी के बाद हम दोनों इकट्ठी चली जाए, लेकिन खाला आप अभी ना जाए, कुछ दिनों के लिए रुक जाए। नदीन मेरे बेटे, हौसला करो। अम्मी, अम्मी आपके दिल में जो भी नफरत है रमशा के लिए, आप प्लीज उसे खत्म कर दें। इस वक्त रमशा जिंदगी और मौत से लड़ रही है। अम्मी प्लीज, मेरे लिए, मेरे होने वाले बच्चे के लिए आप रमशा को माफ कर दें। तुम्हारी माँ इतनी पत्थर दिल नहीं है कि उसके लिए बुरा चाहूंगी मैं। बेटा, मैं तुम्हारे साथ बैठी हूं ना, इसका क्या मतलब है? वो जैसी भी है, इस वक्त मेरी सारी दुआएं उसके लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए हैं। अल्लाह से मुझे पूरी उम्मीद है कि सब ठीक हो जाए। आप कितनी अच्छी हैं, और मैं हर बार आपके साथ कुछ ना कुछ गलत करता हूं। ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो सिर्फ ठीक तो हो ना? अल्लाह का शुक्र है नबील, खुदा ने बहुत करम किया, ऑपरेशन की जरूरत भी पेश नहीं आई। प्री मैच्योर डिलीवरी हुई है, बच्ची को इनक्यूबेटर में रखा। मैं रमशा से मिली? अभी नहीं, दो तीन घंटे के बाद। आंटी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी अपनी बहन की नई जिंदगी और भांजी मुबारक। शुक्रिया। मैं छोटे को देख सकता हूँ? आइए मेरे साथ। आपके लिए कपड़े प्रेस कर दिया। शायद I'm sorry, मुझे आपके ऑफिस इस तरह नहीं आना चाहिए था, लेकिन मेरी इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं थी। मैं सिर्फ आपको आपकी बर्थडे पे सरप्राइज करना चाहती थी। इनफैक्ट आपके लिए जो गिफ्ट लाई थी बहुत मोहब्बत से कभी भी कर। मुझे तुम्हें कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा कि मुझे तुम्हारे किसी भी जज्बे की जरूरत नहीं है, ना मोहब्बत की, ना चाहत की, ना हमदर्दी की, और ना ही किसी किस्म की केयर की। बहुत सी चीजें हम जिंदगी में बगैर जरूरत की करते हैं। सांस नहीं लेना चाहते मगर लेते हैं, क्योंकि इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। मेरी सांसें आपकी मोहब्बत से जुड़ी हैं जुनैद। जिस दिन ये मोहब्बत खत्म हो जाएगी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। खाला जान, आपसे ये पूछने आई थी कि आज क्या बनाऊं खाने में, क्या खाएंगी? अरे बेटा, वो नबील की अब बेटी पैदा हुई है। अभी साथ भाभी ने फोन पे बताया मुझे। मैं जानती हूँ बेटा, इस सब तुम्हारे दिल की क्या कैफियत थी।
बहनों को तो इस मौके पर बहुत खुशी होती है, अगर सब्र करो बेटा, इंशाल्लाह अच्छे दिन भी जरूर आएंगे। जब ये दिन गुजर जाएंगे नाराजगी बहुत छोटा लफ्ज है, जो जज्बात इस वक्त मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतनी शिद्दत पसंद क्यों है रमशा? ठीक कहा, मैं हूं शिद्दत पसंद। मोहब्बत करती हूँ तो टूट के करती हूँ, और जब नफरत करती हूँ तो ना कभी कम हो सकती है ना मैं उसे कभी भुला सकती हूँ। अब ऐसी क्यों हूँ ये तो मुझे भी नहीं पता, हमेशा मैं गुस्से में आ गया था। सॉरी, मैं अपने रवैये के लिए माफी चाहता हूँ। अच्छी बात है, प्लीज सॉरी नहीं करती। क्या मतलब? मायूस तब पड़ने मेरे लिए बहुत से फैसले करना आसान करती है। क्या कहना चाह रही? अभी कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। खाला जान, मैं अपनी फ्रेंड के घर जाना चाह रही थी डेटशीट लेने के लिए। सोच रही थी एग्जाम्स दे दूं, वापसी पे लाइब्रेरी भी जाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं भी यही चाहती थी कि तुम खुद को बिजी कर। कितनी देर लगेगी? 1-1.5 घंटा। ठीक है, ड्राइवर के साथ ही जाओगे ना? ठीक ठीक
बहुत सी चीजें जिंदगी में बगैर जरूरत के करते हैं, सांस नहीं लेना चाहते मगर लेते हैं, क्योंकि इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। मेरी सांसें आपकी मोहब्बत से जुड़ी हैं, जिस पर वो मोहब्बत खत्म हो जाएगी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जो हरकत तुम कर चुके हो उसके बाद अनजान बन रहे हो और समझते हो मैं तुम्हारी बातों में यकीन कर लूंगा? तुम मुझे बताओ, हरीम को लेकर तुम कहां गए थे? एक दिन और एक रात कहां गायब रहे? क्या ताल्लुक है तुम्हारा उससे? जिस तरह का इल्जाम तुम मुझ पर लगा रहे हो ना, उसमें तो मुझे तुम्हें मार देना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। क्या ताल्लुक है तुम दोनों के बीच में? अगर तुम आज सच नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त यहीं पे खत्म कर दूंगा। अगर तुम्हें सच सुनने का हौसला है ना, तो पहले अपने जज्बात पे काबू रखो, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। मैंने तुमसे कहा सच बोलो वरना मैं ओशाला। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम जिस तरह की हरकतें कर रहे हो यहाँ पर। मैं गुज़श्ता 25 दिनों से इस शहर में नहीं था, और मैं जहां था उसका मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम अपना गुस्सा ठंडा करके आओगे। और हरीम से मेरा ताल्लुक पहले भी वही था और अब भी वही है जो सोबिया के साथ। वो मेरी बहन की तरह, आगे जो तुम्हारा गंदा दिमाग सोचता है सोचो। क्यों मैं यहां नहीं आ सकती? तुम्हारे लिए तो तुम आप इस तरीके से बात करना चाहते नहीं? जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है उसके लिए मेरा तुम्हें माफ कर देना आसान नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में अजियत और जिल्लत के दोज़ख से गुजर रही हूँ, ठीक वैसे ही जैसे कभी तुम इस बरज़ख में थी। मुझे अब तुम्हारी कैफियत समझ में आती है रमशा, कि क्यों तुम इन सब लोगों को बर्बाद कर देना चाहती थी जो तुम्हें काबिल इज्जत नहीं समझते थे। इन सब बातों का क्या मतलब है? मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, इतना बड़ा दिल नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें भूलने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, और वो सब कुछ भी जो तुमने मेरे साथ किया। अच्छी बात है, ठीक है। जब वो क्या कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो चलो तुम्हें भी आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी।
तो एक दिन तुम अपना नेक इरादों में कामयाब हो जाओगे। जिस तरह तुम लोगों ने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया, तुम भी हमारी जिंदगी से निकल जाओ। मतलब ये कि तुम आइंदा जुनैद से नहीं मिलोगे और ना ही मिलने की कोशिश करोगे। हुक्म दे रही मुझे नहीं रमशा, रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे। अच्छा तो गोया तुमने हार मान ली है। नहीं, हार और जीत का फैसला अभी बाकी है रमशा। और इस हार या जीत से किसको क्या हासिल होगा ये हम दोनों में से कोई नहीं जानते। मैं जानती हूँ। क्योंकि जीत ही मेरा हासिल है। साथ था? नहीं, वो तो हमारे जाने से 2-3 दिन पहले ही अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पर चले गए थे। कुछ दिन पहले तो आए वो। कैसे जिंदगी गुजार रही हो तुम यहाँ पे? क्या तकलीफ है तुम्हें यहाँ, बोलो। मैं जो मौत के मुंह पे गई थी ना, पता है किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ इस शख्स की वजह से। ये रोज मुझे जानवर की तरह पीटता है। रमशा। क्या रमशा, मारोगे मुझे? मारो, मारो और मारो। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, आप यहाँ? खैरियत तो है? घर में नहीं आपके साथ? सफर मेरे घर से बाहर से कुछ जरूरी बात कर रही है, क्या हम बैठ के बात कर सकते? जी जी श्योर, आइए प्लीज अंदर। आ जाइए। अम्मी क्या हो गया आपको? आए बैठे, तबीयत खराब हो रही है आपकी फिर से? ये तो रोज चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ तो होता ही है। आपको क्या जरूरत थी ऊपर से नीचे उतरने की? अपने रूम में ही बैठ के आप आराम करती ना। अरे अपने ही गर्म कमरे में तो कैद होके रह गई हूँ। नीचे आई थी कि रशीदा को कहूँ तुम्हें खाना भिजवा दे हॉस्पिटल। तुम भी इतने दिनों से वहीं हो। हॉस्पिटल तो सेहतमंद बंदे को भी बीमार कर देता है। और ये क्या सुना मैंने, तुम दोपहर का खाना नहीं खाते? अरे नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, खाता हूँ मैं। अरे होटल का खाना इंसान को सेहतमंद नहीं करता। रमशा को कब डिस्चार्ज कर रहे हैं डॉक्टर्स? बस आजकल ही कर देंगे। और बच्ची, उसको भी घर साथ भेजेंगे ना? कह तो रहे थे। ऐसे अम्मी, मैंने देखा है उसे, वो तो बहुत प्यारी है। पहली नजर में वो बिल्कुल हरीन जैसी लगी मुझे। हरीन जैसी सेहत, उसी की तरह का बचपन। तुम्हारी बेटी के नाक मूंछें बिल्कुल हरीन जैसा। खुदा उसका नसीब भी अच्छा करे। देखो हरीन इस घर से गई, खुदा ने और बेटी भेज दी।
बेटी है किसको बुरी लगती है, बस उनके नसीबों से इंसान डरता है। खुदा करे सब अच्छा हो तेरे साथ। तो कोई बात नहीं है, मुझे तो आप लोगों की शादी में आना था, पर अचानक मेरे चाचा को हार्ट अटैक आ गया। इमरजेंसी में हम सब घर वालों को इस्लामाबाद जाना पड़ गया था। हम काफी दिन वहीं रुके थे। लेकिन आप ही सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? हरीम ठीक तो है ना? हाँ, सुबह तुम्हारा फोन तो मुसलसल बंद जा रहा था। मुझे किसी ने फोन किया था? आपने किया था? नहीं, वो हरीम ने किया होगा। जाहिर है मेरे ना आने पर उसे गुस्सा तो आया होगा। जल्दबाजी में मेरा सेलफोन यहीं रह गया था। और वो हमारे साथ था? नहीं, वो तो हमारे जाने से दो तीन दिन पहले ही अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पर चले गए थे। कुछ दिन पहले ही तो आया वो। लेकिन आप ही सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? सब खैरियत तो है ना? थैंक यू, मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, रुके, जिनेद भाई मैं आपके लिए चाय लेकर आ रही हूँ। थैंक यू सो मच, फिर कभी। ओके, देखो तो रमशा कितनी प्यारी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सूरत प्यारी होने से क्या होता है आपकी? नसीब अच्छा होना चाहिए। अल्लाह ना करे मेरे जैसे। अल्लाह ना करे इसको मिले। बुरा मत मानना रमशा, लेकिन इस वक्त तुम नाशुकरा बन करो। खुदा ने तुम्हें सारी चीजों से नवाजा, इतना अच्छा घर, इतना अच्छा ससुराल, और खास तौर पर इतनी मोहब्बत करने वाला शोहर। इस वक्त ये बातें करके तुम खुदा की नाराजगी बढ़ा रही हो। तुम भी बस दुनिया वाली जैसी बातें कर रही हो। क्या मतलब? तुम सिर्फ जाहिर को देखती हो, अंदर क्या है तुम्हें नजर ही नहीं आता। लोग जो शक्लन अच्छे होते हैं, उनके अंदर कितनी तंग दिली, कितनी घुटने होते हैं, उनको नजर नहीं आता। तुम सिर्फ आलीशान घर, इसमें रखे कीमती साजो सामान, इसमें खड़ी महंगी महंगी गाड़ियों को देखकर मेरी किस्मत पे रश्क हो गई। तुम क्या जानो मैं इस घर में कैसी जिंदगी गुजार रही हूँ। कैसी जिंदगी गुजार रही हो तुम यहाँ पे? क्या तकलीफ है तुम्हें यहाँ? बोलो, कैसी जिंदगी गुजार रही हो तुम? कुछ बताओगी? जाहिर है मैं नहीं बताऊंगी तो और कौन बताएगा? आप ही इस घर में मुझ पे जहरी तशद्दुद होता है। तुम्हारी माँ हर वक्त मुझे जहरी टॉर्चर देती है। उनकी नफरत भरी निगाहों ने मुझे अपनी नजरों में और छोटा कर दिया है। और तुम? आप ही, मैं जो मौत के मुंह पे गई थी ना, पता है किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ इस शख्स की वजह से। ये रोज मुझे जानवर की तरह पीटता है। रमशा। क्या रमशा? मारोगे मुझे? मारो, मारो और मारो। अभी तो मैं मौत के मुंह से निकल के आई हूँ, तो मुझे जान से ही मार डालो। मैं तो खुद तंग आ गई हूँ दोगली जिंदगी गुजार गुजार के। मुझे मार दो, अल्लाह करे मैं मर ही जाऊं। रमशा क्या हो गया तुम्हें? क्यों फिजूल में तमाशा खड़ा कर रही हो? अभी बहुत तकलीफ में हूँ। हर वक्त का नाशुक्रापन पैदा ही नहीं होना चाहिए। तो अच्छा सोचा करो।
بسا تھا میرا دل خوشبو کی طرح مہگی نظر سے تیری بدن کھل سا گیا دل کی گلی میں جنوں تھا بڑھتا ہی رہا احساس تیرا کل رگے جاں میں رہا تجھ کو خبر نہیں تیرے بنا کہیں اب چین ہے نہ ہے سکوں او ماہیا صرف نبیل کے ساتھ ہی نہیں میں تو کہتی ہوں دنیا میں کسی بھی مرد سے اس طرح بات کرو تو اچھا تمہیں بڑی مردوں کی فطرت کا پتہ ہے رمشا سوری میں پتہ کبھی ایسی ایسی مذاق کر جاتی ہوں سوری اگر کرنا ہے تو مجھ سے نہیں نبیل سے جا کے کرو کبھی بھی نہیں کیا کروں اس معمولی سی بات کو ایشو بنا کے اپنی اچھی بھلی زندگی کو بے سکون کرنا چاہتی ہو آپ ہی اچھی بھلی زندگی تمہیں نظر آتی ہے یاد نہیں میں نے جو کچھ بتایا تھا اس نے کس طرح مجھ پہ تشدد کیا کس طرح مجھے موت کی منہ تک پہنچا دیا تھا کہاں ہے میری زندگی میں سکون پھر کیا کروں پتا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لینا کہ تمہاری ایک چھوٹی سی بیٹی ہے اس کے لیے بھی تمہیں سوچنا ہے نا وہ صرف میری ہی نہیں وہ نبیل کی بھی بیٹی ہے اور اگر نبیل مجھے منچاہی زندگی نہیں دے سکتا تو میں بھی کسی کی پرواہ نہیں کروں گی اپنی بیٹی کی بھی کیونکہ پرواہ ہمیشہ صرف میرے حصے میں نہیں آئے گی کسی اور کو بھی فکر مند ہونا چاہیے میرے لیے میری بچی کے لیے اچھا میں چلتی ہوں پہلے ہی ہاسپٹل سے 3 دن کی چھٹی ہو گئی نا شام کو چکر لگاؤں گی آپ بہت سارا خیال رکھنا آپ کو کچھ چاہیے نہیں تو مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے سن رہی یہاں نہیں کمرہ میں ہوں آپ چلو میں آتا ہوں Thank you.
फायरिंग क्या हुआ था उस दिन? देखो अरीम, मुझसे झूठ मत बोलना। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को तैयार किया है कि मैं ये बात सुन सकूं, वरना मैं फैसला कर चुका था कि अम्मी को बनाने के बाद, उनसे बात करने के बाद मैं तुमसे अलहदगी इख्तियार कर लूंगा, मगर वो हरीम, बोलो, बात करो। आपने मुझसे अलहदगी का फैसला कर लिया था? हरीम प्लीज, मुझे बातों में मत उलझाओ। मुझे साफ साफ ये बताओ कि जिस दिन तुम रमशा के साथ शॉपिंग के लिए गई थी, उस दिन हुआ क्या था? जुनेद, ये सवाल मैं आपसे उस दिन एक्सपेक्ट कर रही थी जब मैं पहली दफा आपके सामने आई थी। आपसे, नबील भाई से, अम्मी से, हर उस शख्स से जो मुझसे प्यार करता, जिसको मेरी सलामती की फिक्र थी। मुझे सिर्फ इस सवाल की उम्मीद थी कि हरीम तुम कहां थी, ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ कि तुम घर नहीं आ पाए, किसने किया? किसी ने मुझसे ये सवाल नहीं पूछा। और आपने पूछा तो आज इतनी देर से कि जब इस सवाल का पूछा जाना या ना पूछा जाना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तो तुम मेरी बात का जवाब नहीं दोगे? क्या मेरे जवाब पे यकीन करेंगे? अगर यकीन करने वाली बात होगी तो जरूर करूंगा। हरी नहीं जुनेद, आप यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने पहले दिन से अपने अल्लाह को अपना गवाह बनाया था कि वही मेरी गवाही दे। इसलिए अब मैं अपने लिए अपनी गवाही में एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगी।